नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मऊरानीपुर तहसील में उपजिलाधिकारी को पत्र देकर नगरपालिका से नाम काटे जाने पर विधवा महिला ने दी अनशन व आत्मदाह की चेतावनी। आपको बता दें कि सास ससुर की बेशकीमती संपत्ति हड़प लेने के बाद विधवा असहाय महिला का देवर के दोनों पुत्र व सास एवं देवरानी कर रही है उत्पीड़न और धन तथा ताकत के बल पर नगरपालिका में दर्ज नाम को कटवाने का बना रही है दबाव। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बाद भी नगरपालिका से नाम काटने की दे रही धमकी की शिकायत विधवा महिला ने उपजिलाधिकारी से की। जानकारी के अनुसार मोहल्ला नेहरू नगर नदीपार मऊरानीपुर निवासी पूनम श्रीवास पत्नी स्वर्गीय डॉक्टर शिवशंकर श्रीवास ने उपजिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि उसके स्वर्गीय ससुर के दो पुत्र थे और दोनों पुत्रों का स्वर्गवास हो गया और उनको मौखिक बंटवारे के रूप में मकान संख्या 1101 जो कि मोहल्ला नेहरू नगर में स्थित है जिसमें वह शादी के बाद से ही निवास कर रही है तथा उसका नाम उक्त मकान नगरपालिका परिषद मऊरानीपुर में दर्ज है तथा हाउस टैक्स भी अदा कर रही है, लेकिन उसके देवर के दोनों पुत्र व सास एवं देवरानी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़प लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं और उक्त लोग उसके पति के मकान पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल कर नगरपालिका में धन बल के दम पर नाम दर्ज कराना चाहते हैं और उसका मकान बेचना चाहते हैं तथा उसकी पुत्री व दामाद को जान से मारने की एवं फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र में पीड़ित विधवा असहाय महिला ने उपजिलाधिकारी को चेतावनी दी है कि यदि नगरपालिका से उसका नाम काटा गया या उसके भतीजों व सास एवं देवरानी का नाम किया गया तो वह उपजिलाधिकारी के समक्ष आमरण अनशन एवं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस व स्थानीय प्रशासन की होगी। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए मऊरानीपुर से रजनीश दुबे की रिपोर्ट। क्या समस्या हुई आज जो आप कहिए मैं जिला अधिकारी जी के पास आई? सर, ऐसा है कि हमारा मकान हमारे नाम चढ़ा है 1101, उसका नाम कटवा रहे हैं जबरदस्ती, जिसमें नेहरू नगर मोहल्ले में स्थित है मऊरानीपुर जिला झांसी पूनम श्रीवास। कौन कटवा रहा है? आयुष श्रीवास है, हमारे देवर के लड़के, वो जबरदस्ती पूरी जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं। एक मकान है केवल हमारे पास, उसे कटवाना चाहते हैं और हमें घर से बेघर करना चाहते हैं। और आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिसमें हम रह रहे हैं रहते रहें, क्योंकि हमारे कोई लड़का नहीं है, हमारे कोई पति नहीं है, हम बहुत दुखियारी महिला हैं।